ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं ये ज़बरदस्त पुलाव और राइस, ज़ीरे वाले राइस आप कह सकते हैं। हम यूज़ करेंगे इंस्टा पॉट। और चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, हमारे पास ये नया टॉय आ गया है। ये हमारे पास है इंस्टेंट पॉट, इंसिग्निया कंपनी का है ये। आपके पास कोई भी कंपनी हो, पैटर्न्स तकरीबन सेम होंगे। तो मैं इसमें क्विक एंड इजी रेसिपी भी बताने लगा हूँ पुलाव बनाने की। ओके, सो लेट मी शो यू द ऑप्शंस व्हाट वी हैव हियर। ये हमारा है कंट्रोलर इंस्टापॉट का, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये मैंने जस्ट टर्न ऑन किया है। कैंसल राइस, मल्टीग्रेन सूप, मीट, पोल्ट्री। यहाँ पे हमारे पास है केक, कीनवा, बीन्स, स्टीम फिश स्टार्ट। ठीक है, ये बीच में सम ऑप्शंस दिए हुए हैं। अभी मैंने क्या करने लगा हूँ, मैं करने लगा हूँ थोड़ा सा ब्राउन अपना प्याज को इसमें। तो उसके लिए मैं ये दबाऊँगा सौते का बटन, और यहाँ से मैंने स्टार्ट दबा देना है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा प्याज ब्राउन करेंगे। जैसे आप कढ़ाई पे प्याज ब्राउन करते हैं वैसे ही। इसमें मैं ऑयल ऐड कर रहा हूँ सबसे पहले। उसके बाद मेरे पास है ये चॉप्ड प्याज, स्लाइस से सुई हुई या चॉप्ड हुई, जैसे आपको पसंद हो। मैं इस तरीके से ओके जी, थोड़े से गरम मसाले साबित ऐड करेंगे इसमें हम। बस देखें, ये सौते हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही ब्राउन हो जाएगा इसमें चावल ऐड करेंगे। ऑलराइट, सो हमारा प्याज जो है वो अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे, जो कि मेरे पास प्री सोक्ड चावल है 3 कप्स। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट स्टेप है, इसमें नमक डालेंगे और पानी डालेंगे, एंड दैट्स इट। नमक हसबे जायका। ओके जी, ये पानी का जो अंदाज है ये ऐसे ही होता है, तकरीबन 1/2 इंच ऊपर होगा इससे। दैट्स इट, और इट्स रेडी टू गो। अगर कम लग रहा है तो आप और ऐड कर सकते हैं, बट गीला हो जाएगा। आई वुड रिकमेंड 1/2 इंच इज मोर देन इनफ। वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इट, ये आपका वेसल गैस रिलीज है, और उसी के दूसरी साइड पर जो है वो गैस होल्ड करने का है। तो जब आप बंद करें तो मेक श्योर कि आपका गैस नॉब जो है वो गैस होल्ड की तरफ हो। ये है सेफ्टी वॉल्व। ये प्रेशर जब बिल्ट होता है तो ये ऊपर आ जाता है, जब ये नीचे हो जाए देन यू ओपन द लिड। बिफोर दैट नेवर एवर ओपन द लिड। ओके, आपको याद होगा मैंने ये सौते दबाया था और स्टार्ट दबाया था। अब मैं दबाऊंगा कैंसिल, मैं दबाऊंगा ये राइस स्टार्ट। अब ये जो है आपका प्रेशर बिल्ड करेगा, और प्रेशर बिल्ड करने के बाद राइस ऑटोमेटिकली कुक हो जाएंगे। यहाँ पे आपको नंबर दिख जाएगा टाइमर व्हेन द प्रेशर। प्रेशर बिल्ड हो गया है और इसने टाइमर ऑटोमेटिकली 15 मिनट का सेट कर दिया था। 1 मिनट गुजर चुके हैं, 13 हो गया है। जैसे ये टाइमर ख़त्म होगा हमारा राइस कुक हो जाएगा। ओके जी, राइस इज डन। हमारा टाइमर रुक चुका है। द नेक्स्ट स्टेप आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू रिलीज द गैस। So let me show you how can you do that. Everyone has a different company has a different thing, but you don't open this lid until you release this gas. My gas has been releasing. बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह राइस तैयार हो चुका है। सुभानअल्लाह, देखें, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ मैंने राइस ऐड किया, पानी ऐड किया, एंड इट्स पुलाव इज़ रेडी। ओके जी, हमारा ये पुलाव बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। देखें कितना ज़बरदस्त बना है। एंड ऑल प्रेज टू अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ये जो हमारा इंस्टा पॉट है, इसने काफ़ी ज़बरदस्त हमारी हेल्प की बनाने में। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड माई रेसिपीज़। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। डू ट्राई एट होम इफ़ यू हैव इंस्टा पॉट। इफ़ यू डोंट,
रेगुलर कुकर में भी ये बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। मेरी एक और रेसिपी है, आई गिव यू द लिंक फॉर द अदर पुलाव रेसिपी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर योर फीडबैक, शेयर माई वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड्स। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।